नमस्ते, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। इससे पहले मैंने आप जो वीडियो में बनाया था कि महाशिवरात्रि में कौन सी चीजें हमें अर्पण करने से शंकर भगवान प्रसन्न रहेंगे, आज हम ये बात करेंगे महाशिवरात्रि का दिन कौन सा कपड़ा हमें धारण करना चाहिए, मंदिर जाने से पहले हो या पूरा दिन। इसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। शंकर भगवान को इस कलर का कपड़ा पहनने से शंकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आज उस कलर के बारे में हम बात करेंगे। और शंकर वो दिन महाशिवरात्रि पूरी दुनिया मनाएगा। 8 मार्च 2024 को पूरी दुनिया में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पालन किया जाएगा। और लोग कहते हैं बातों में, अगर महाकाल का जिसकी सर पे हाथ है क्या करेगा काल, अगर शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय जरूर कीजिए। और शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ द्रव्य चीजें आप अर्पण कीजिए शिवलिंग में, ये भी काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि शंकर भगवान जो है कलि युग में सर्वश्रेष्ठ भगवान माना गया है और बड़ा भोलेनाथ है, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए शंकर भगवान का पूजा करना बिल्कुल ना भूले, और खास करके तो महाशिवरात्रि में तो बिल्कुल ना भूलिए। बाकी दिन आप हर सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि को ये दिन में ये चीजों को कीजिए। उसके साथ साथ आपकी कपड़े भी उसी कलर का होना चाहिए जो कलर शंकर भगवान को अति प्रिय माना गया है। हरा कलर, ग्रीन कलर का कपड़ा आप अगर उस दिन धारण करते हैं तो इस पे शंकर भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि शंकर भगवान को ग्रीन कलर, हरा कलर बहुत प्रिय माना गया है। जैसे आप देख लीजिए, बेलपत्ता वगैरह हरा है और धतूर भी हरा है और भांग भी हरा है। ये जो तीनों चीजें हैं ये शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। वो दिन भी आपने शिवलिंग में भी अर्पण कर सकते हैं और उसके साथ कपड़ा, ये भी पूरा दिन आप हरा कपड़ा पहनी है और आपने व्रत कर लीजिए। व्रत नहीं कर पाते हैं तो शुद्ध शाकाहारी आपने भोजन कर लीजिए और महाशिवरात्रि का दिन ये नियम को पालन अवश्य करें। मंदिर जाने से पहले स्नान करके हरा कपड़ा जरूर धारण करें, तो इससे भी आपका काफी मनोकामना पूरा होगा। और उस दिन ऐसा दिन है और शिव जी का बड़ा पसंद दिन है, उस दिन आप अपना मन भाव से शंकर जी को आपने खुश पसंद कर सकते हैं। तो उसके साथ अगर आपका ग्रीन कपड़ा आपके पास अगर नहीं हो पाता है, नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास बजट नहीं हो पाता और नहीं ले पाते हैं, तो अगर आपके पास सफेद कपड़ा होगा या नारंगी कलर का कपड़ा होगा या येलो कलर पीला कलर का कपड़ा होगा तो आप पहन सकते हैं। लेकिन खासकर कोशिश कीजिए अगर ग्रीन कलर का कपड़ा है तो आप उसको धारण कीजिए और महाशिवरात्रि में पूजा पाठ कीजिए। साथ में 5 बेलपत्ता अगर आपको मिल जाता है, 5 टाइप का बेलपत्ता, मतलब पहले तक वो 3 टाइप का बेलपत्ता कहीं भी मिल जाता है, अगर आपको उस दिन अगर 5 बेलपत्ता मिल जाता है तो शिव जी को अवश्य आप चढ़ाएं। क्योंकि महाशिवरात्रि में 5 बेलपत्ता और धतूर ये चढ़ाना काफी शुभ माना गया है। इसके लिए दोस्तों महाशिवरात्रि में छोटी सी नियम आप पालन कीजिए और भगवान शंकर को प्रसन्न कीजिए। हम दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जानकारी दीजिए। नमस्कार।